जहाँ पे रहते हैं डिप्लोमेट एरियाज में, तो उनको अचानक से अब कान में बहुत आवाज़ आना, जबकि बाहर में कोई आवाज़ नहीं आ रहा होता था, हेडेक्स होना, माने सरदर्द होना, उल्टियाँ लगना, या कभी कभी उन्हें चक्कर आना, उन्हें ऐसा फीलिंग होते रहता था कंटिन्यूअसली। दुनिया के सबसे रहस्यमय हमलों में एक हवाना सिंड्रोम भारत में दस्तक दे चुका है। 2016 में क्यूबा की राजधानी हवाना में सबसे पहले अमेरिका के खुफिया अधिकारी हवाना सिंड्रोम की चपेट में आए थे, और तब से अब तक ऐसा लग रहा है कि अमेरिका, जिसे कि सुपर पावर कहा जाता है, वो इस सिंड्रोम से निजात नहीं पा रहा है। इंटरनेशनल मीडिया संस्थान CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर 2021 के शुरुआती हफ्ते में तालिबान पर चर्चा करने के लिए अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के प्रमुख विलियम बर्न्स भारत आए थे। उनके साथ खुफिया एजेंसी के अधिकारी और कुछ राजदूत भी शामिल थे। लेकिन उसी दौरान विलियम बर्न्स के साथ में आए हुए कर्मचारियों में से कुछ कर्मचारियों को हवाना सिंड्रोम ने अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद फौरी तौर पर इन सभी को अमेरिका ले जाया गया और इनमें से कई कर्मचारियों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। लेकिन ये किस तरीके का हवाना सिंड्रोम है, जिसके बारे में अब तक ये पता नहीं लग पाया कि दुश्मन किस तरीके से अपने टारगेट्स पर हमला करता है, लेकिन इससे बचने का तरीका है क्या कुछ है, हमने बात की है न्यूरोलॉजिस्ट से और आपको बताएंगे हवाना सिंड्रोम के बारे में सब कुछ इसी वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। कैनेडियंस जितने डिप्लोमेट थे जो हवाना में पोस्टेड थे, उस टाइम उन्हें क्या लगता था कि सपोज वो ट्रैवल कर रहे हैं या कहीं पे होटल में हैं या अपने जहाँ पे रहते हैं डिप्लोमेट एरियाज में, तो उनको अचानक से कान में बहुत आवाज़ आना, जबकि बाहर में कोई आवाज़ नहीं आ रहा होता था, हेडेक्स होना, माने सरदर्द होना, उल्टियाँ लगना, या कभी कभी उन्हें चक्कर आना, उन्हें ऐसा फीलिंग होते रहता था कंटिन्यूअसली। हवाना सिंड्रोम के बारे में सबसे पहले पता चला 2016 में, जब अमेरिका और ब्रिटेन के खुफिया एजेंसियों के अधिकारी और राजदूत क्यूबा की राजधानी हवाना एक मीटिंग के लिए गए हुए थे। उसी दौरान कुछ अधिकारी और कुछ खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों को हवाना सिंड्रोम ने अपनी चपेट में ले लिया। 2016 से अब तक अगर बात करें तो तकरीबन 200 से ज्यादा खुफिया एजेंसियों के अधिकारी और उनके परिवार को हवाना सिंड्रोम ने अपनी जद में लिया है, वो भी अलग अलग मौकों पर। अब तक ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, कोलंबिया, रूस और उज्बेकिस्तान में हवाना सिंड्रोम से बीमार खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों के बारे में पता चला है। हवाना सिंड्रोम से पीड़ित लोगों में सिरदर्द, उल्टी, याददाश्त का खोना और चक्कर आना जैसे लक्षण शामिल हैं। कभी कभी तो स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है कि इन अधिकारियों को अस्पताल ले जाकर कई कई महीनों तक अपना इलाज कराना पड़ता है। अमेरिका इस सिंड्रोम से कितना ज्यादा डरता है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 24 अगस्त 2021 को अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों और राजदूतों के साथ वियतनाम की राजधानी हनोई जाना था। लेकिन जैसे ही कमला हैरिस और खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों को ये पता चला कि हनोई जाकर उन्हें हवाना सिंड्रोम अपनी चपेट में ले सकता है, तो उन्होंने अपनी यात्रा को ही रद्द कर दिया। लेकिन ये हवाना सिंड्रोम आखिर क्या है, आपको ये जान लेना चाहिए। दरअसल डॉक्टर्स और साइंटिस्ट इसे लेकर अलग अलग तरह की थ्योरी देते हैं। अमेरिका ने लंबी जांच के बाद हवाना सिंड्रोम और लेजर हथियारों के इस्तेमाल का कनेक्शन बताया था। अमेरिका के राष्ट्रीय विज्ञान समिति अकादमी की बहुप्रतीक्षित रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि चीन और क्यूबा में अमेरिकी राजनयिक माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी की वजह से बीमार हुए होंगे। एक फ्रिक्वेंसी ऑफ वेव्स होती है जिसको हम बोलते हैं माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी ऑफ वेव्स होती है, तो अगर हम उसका पल्स्ड, जब हम पल्सेशंस के साथ उस रेडियो फ्रिक्वेंसीज को देते हैं तो इस तरह के सिंड्रोम्स दिखाई देते हैं। अगर हम कंटिन्यूसली किसी को दे रहे हों तो इसमें आवाज़ आना कानों में, वॉमिटिंग्स होना, सरदर्द होना, ये सब उसका पार्ट होने लगता है। दरअसल क्यूबा की राजधानी हवाना में सबसे पहले हवाना सिंड्रोम के बारे में पता चला और इसी वजह से इस सिंड्रोम को हवाना सिंड्रोम नाम दिया गया। उस वक्त खुफिया एजेंसियों के अधिकारी और राजदूतों ने ये शिकायत की कि उनकी कानों में बहुत तेज दर्द हुआ, उन्हें उल्टी आने की यानी कि उनको नौजिया फील हुआ, उनके सर में दर्द हुआ, इसके अलावा उन्हें थकावट महसूस की गई। बाद में जब जांच की गई तो पता चला कि दिमाग के टिश्यूज को उसी तरह से नुकसान हवाना सिंड्रोम में हुआ है जिस तरीके से बम विस्फोट या कार हादसे के दौरान होता है। अमेरिकी सरकार ने अपने आधे से ज्यादा कर्मचारियों को तुरंत वहां से वापस बुला लिया। कहा तो ये तक जाता है कि अमेरिकी अधिकारियों के खिलाफ छिपकर सोनिक वेपन का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि हवाना सिंड्रोम को लेकर अलग अलग तरह की थ्योरीज अब तक चली आ रही हैं। हवाना सिंड्रोम को लेकर कौन कौन सी थ्योरीज हैं, न्यूरोलॉजिस्ट इसको लेकर भी बात करते हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगा कि बहुत बार हमारे बॉडी में ऑक्सीडेटिव चेंजेस, माने ऑक्सीडेशन क्या होती है, कुछ ऑक्सीडेटिव ऐसी रेडिकल्स बनती है जो बॉडी को खराब कर देती है, तो उसके चलते हो रहा हूँ।
कुछ लोगों को लगा कि कहीं कोई पॉइजनिंग के चलते ना हो। एक थ्योरी ये भी थी कि ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स है, तो इसका भी कोई पर्टिकुलर रीजंस की इसी के चलते ऐसा कुछ भी नहीं था। अमेरिका फिलहाल हवाना सिंड्रोम को लेकर लगातार 2016 से जांच कर रहा है और उम्मीद ये है कि 2021 के आखिर तक हवाना सिंड्रोम आखिर होता कैसे है इसके बारे में जांच रिपोर्ट आ जाएगी। हालांकि अमेरिका के NBC न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक भले ही इस जांच रिपोर्ट में किसी हथियार या जानबूझकर माइक्रोवेव ऊर्जा के इस्तेमाल का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन ये बहुत परेशान करने वाली संभावना को जन्म देता है। NBC न्यूज के मुताबिक साल 2018 में अमेरिकी खुफिया अधिकारियों का मानना था कि विदेशों में अमेरिकी राजनयिकों और खुफिया एजेंसी CIA के अधिकारियों पर जानबूझकर हमले के पीछे रूस का हाथ था। हालांकि हवाना सिंड्रोम से बचा भी जा सकता है, किस तरीके से डॉक्टर साहब को बता रहे हैं। हमारे बहुत सारे गैजेट्स हैं, हमें उससे थोड़ा सा अपने आप को प्रिवेंट करना होगा कि हम उसके कंटिन्यूस एक्सपोजर्स में रहें। सेकेंड है हमारे जो फूड इनटेक्स है उसमें हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, फ्रूट्स हैं जो नेचुरल हैं, जो नेचुरल वेजिटेबल्स हैं, इन सब में एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत होते हैं। तो जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, ऑक्सीडेटिव इंजरीज है, फ्री रेडिकल इंजरीज जो हम बोलते हैं, हम उससे बच सकते हैं। वॉक है, एक्सरसाइज करना। फिलहाल तो जो शुरुआती जांच सामने आई है उसमें ये पता लगता है कि हवाना सिंड्रोम सिर्फ अमेरिका की खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों को ही अपनी चपेट में लेता है या फिर वहां के राजनयिकों को ही अपनी चपेट में लेता है। आम लोगों को हवाना सिंड्रोम से कितना डरना चाहिए इसके बारे में स्थिति अभी तक साफ नहीं है, लेकिन हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आपको हवाना सिंड्रोम के बारे में, जिसे कि रहस्यमयी हथियार कहा जाता है, उसके बारे में आपको सब कुछ पता चले। मंडे टू फ्राइडे में इसी तरह की वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।